नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है ममिता सानी कुकिंग चैनल में। तो आज फिर से हम नवरात्रि स्पेशल मखाना के लावा के लेकर आए हुए हैं। मखाना है, मखाना के खीर बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल पूरा बढ़िया। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वीडियो कहीं भी बीच में छोड़ के मत जाइएगा। जिससे मेरा वीडियो आप लोग की अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अपना प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो मखाना के खीर वाला रेसिपी है आप लोग के कैसी लगी। तो आइए इसको हम बनाते हैं, दिखा देते हैं इसमें और क्या डालेंगे। हम कुछ ले लिए हैं किशमिश, कुछ इलायची है। गैस पर कढ़ाई रख लिए हैं, इसको मीडियम ठिकनेस पर गर्म होने देते हैं। कढ़ाई को कढ़ाई गर्म हो गई है, थोड़ा सा हम इसमें घी डाल लेते हैं, देसी घी, शुद्ध घी है। माता जी के भी भोग लगा सकते हैं मखाना के खीर से। अब डाल लेते हैं यहीं पर हम जो मखाना हमारा है ये बढ़िया से, इसको थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, लो मीडियम फ्लेम कर लेते हैं, नहीं तो जो मखाना जो है वो जल जाएगा। अच्छे से इसको भून लेते हैं, बढ़िया से इतना भूनते हैं कि इसमें के जितना कच्चापन है मखाना में के निकल जाए सारा। बस 2 मिनट इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं। 2 मिनट घूमते हुए हो गया। अब इसको जो मखाना है इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ले लीजिए, पूरा क्रंची हो गया है भून कर। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 2 ही मिनट इसको भूनना है। अब यहीं पर डाल लेते हैं हम दूध, फुल क्रीम दूध पूरा। कितना है बता देते हैं, आधा किलो दूध है, 500 ग्राम यहीं पर डाल लेते हैं। अच्छे से दूध को गर्म होने देते हैं, तब तक इसको जो मखाना है इसको हम कूट लेते हैं थोड़ा। खाल लेते हैं, खाल में थोड़ा दरदरा इसको कूटेंगे। पूरा इतना डाल दिए कटोरी भर, आ इतना बचा कर रखे हैं आखा डालेंगे, तो इसी पर हम इसको कूट लेते हैं। बस तोड़ना है, ज़्यादा इसको धुरा नहीं बनाना है। तेल लीजिए ऐसा ही पूरा, देखिए ऐसा ही पर इसको कूट लेना है। तो इसको कूट लिए, निकाल लेते हैं एक बर्तन में, हम ले लेते हैं इसमें इलायची को भी कूट लेते हैं इसी में। इलायची भी कूट गया है, अब इसी पर डाल लेते हैं। दूध गर्म हो गया है, अब इसी पर हम ये जो मखाना है इसको हम डाल लेते हैं थोड़ा। इसको दूध को चला लेते हैं बढ़िया से, दूध पूरा उबलने लगा है। अब इसी पर हम जो मखाना के लावा कूट के रखे हैं इसको यहीं पर हम डाल लेते हैं, डालकर बढ़िया से कर लेते हैं मिक्स। अब जो किशमिश है इसको डाल लेते हैं। अखा मखाना रखे थे ये भी इसमें डाल लेते हैं, डाल कर बढ़िया से कर लेते हैं मिक्स। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत हेल्दी है ये मखाना के खीर। बना कर तो ज़रूर आप लोग खाइएगा। अब इसी पर डाल लेते हैं इलायची जो कूट के रखे थे वो। इलायची से क्या होता है कि बहुत बढ़िया उभर कर फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। अब इसी पर हम स्वाद के अनुसार अब चीनी डाल रहे हैं, 6 बड़ा चम्मच है चीनी। चीनी आप मीठा ज़्यादा कम कर सकते हैं। ले लीजिए यहीं पर इसको भी डाल लेते हैं, डाल कर अच्छे से मिला लेते हैं। अब थोड़ा घी डाल लेते हैं, देसी घी है।
घी से क्या होता है कि बहुत टेस्टी लगता है। दाल को जरूर बनाकर खाइएगा आप लोग। ये लीजिए देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। अब इसी पर हम डाल लेते हैं फ्रूट कलर, डाले हैं इसमें येलो कलर थोड़ा सा दूध में, यहीं पर इस भी डाल लेते हैं। बढ़िया से करते हैं मिक्स चलाते हुए। आप फ्रूट कलर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसका बेगर भी बना सकते हैं। केसर है तो केसर डाल लीजिए दूध में भी होकर। पूरा हाई फ्लेम पर इसको दो से तीन मिनट तक पकाते हैं। ये लीजिए दो से तीन मिनट बाद ये देखिए कितना बढ़िया गाढ़ा हो गया है। गैस को यहीं पर बंद कर लेते हैं। अब इसको नीचे उतार लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा नवरात्रि स्पेशल मखाना के खीर है बनकर तैयार। ये लीजिए देखिए दिख रहे होंगे कितना बढ़िया दिख रहा है। तो ये लीजिए दोस्तों हमारा मखाना के खीर बनकर है नवरात्रि स्पेशल बनकर कितना बढ़िया तैयार। तो दिखा देती हूँ आपको हम पास से। तो ये लीजिए पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए दिख रहा है ना कितना बढ़िया कितना टेस्टी। ये देखिए अगर ये मखाना के खीर वाला रेसिपी आप लोग के नवरात्रि स्पेशल अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करिएगा। अपना प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट में बताइएगा कि ये मखाना के खीर वाला रेसिपी आप लोग के कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।